रघु शर्मा सिटी कॉलोनी स्थित सैटेलाइट अस्पताल का निरीक्षण करने पहुंचे हैं और क्या कुछ कह रहे सुनिए। वैक्सीनेशन की साइट भी बहुत शानदार बनी हुई है, तो हम दो फ्रंट पे लड़ रहे हैं, एक तरफ थर्ड वेव की तैयारी कर रहे हैं, दूसरा जो प्रॉपर कवरेज मिलना चाहिए सेकेंड वेव के बाद में। कल भी हमारा 10,45,000 के करीब एक दिन में वैक्सीनेशन का रिकॉर्ड बना है और राजस्थान पूरे कंट्री में नंबर वन है वैक्सीनेशन में भी, और कोरोना के कंट्रोल और उसके मैनेजमेंट के अंदर भी हम लोग अव्वल रहे हैं। और पूरा मुख्यमंत्री जी की देखरेख में जिस ढंग से व्यवस्थाएं पूरे राजस्थान में हुई है, ये तो एक अस्पताल है, राजस्थान में सैकड़ों अस्पताल, हमने 332 कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स जो ग्रामीण इलाकों में है उनको स्ट्रेंथन करने का काम शुरू कर दिया है। सबको हम फंडिंग भी कर रहे हैं, वहां पे भी चार चार पांच पांच बेड का आईसीयू, सेंट्रलाइज ऑक्सीजन पाइपलाइन, ऑक्सीजन जनरेशन के प्लांट, ताकि हमारे जो जिला अस्पताल है, मेडिकल कॉलेज से जुड़े अस्पताल है, बड़े अस्पताल, उन अस्पतालों पे लोड कम पड़े और स्थानीय स्तर पे ही हमारे लोगों का इलाज हो जाए। तो राजस्थान में इंफ्रास्ट्रक्चर की दृष्टि से बहुत ही शानदार काम हुए हैं, वो आप सब लोगों की नजर में है। आरयूएचएस करीब 1200-1300 बेड का हॉस्पिटल हमारा बना है और 200 के करीब वो आईसीयू के बेड इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के हैं। एसएमएस अस्पताल में बने हैं, आईडीएच हमारा डेवलप हुआ है, अभी जैकेलोन अस्पताल में गया था उस दिन, वहां भी तैयारियां पूरी जोरों से है। लोग अनुमान लगा रहे हैं कि सितंबर तक या मिड अगस्त तक ये थर्ड वेव आ सकती है। तो राजस्थान भर में हम जितने भी बच्चों के अस्पताल हैं और उनके अंदर जो सुविधाएं हैं उनको हम डेवलप करने में लगे हुए हैं, और मुझे उम्मीद है कि जिस तरह से राजस्थान में हमारे मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हमने पहली वेव का मुकाबला किया, दूसरी वेव का मुकाबला किया, पैरामीटर्स के दृष्टिकोण से भी राजस्थान पूरे कंट्री में सबसे नंबर वन है। हमारा 98.81 हमारा रिकवरी रेट है, मृत्यु दर हमारा सबसे कम है पूरे कंट्री में, 0.93 है, और एक्टिव केसेस तो 1700 के करीब रह गए हैं। कल भी और परसों भी जीरो मृत्यु हुई है, पूरे देश में राजस्थान ही अकेला राज्य है जहां शून्य पर हम लेके आए मृत्यु का आंकड़ा। तो मैं समझता हूं कि बराबर इन इंतजाम को देखने और इनमें जो इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश है उसके लिए बराबर हम मंथन करें, और जिस ढंग का इंफ्रास्ट्रक्चर दानदाताओं ने, भामाशाहों ने अभी यहां बना के दिया है, हम तो सरकार की तरफ से उनका साधुवाद भी करते हैं, और ये लोगों की जिंदगी बचाने में काम आएगा। पैसा तो बहुत लोग कमाते हैं लेकिन लोगों की भलाई के लिए कौन आदमी लगाता है, उसमें सबसे बड़ा सेक्टर है चिकित्सा का सेक्टर, और आप लोगों ने बहुत बढ़िया काम किया है, मैं आपकी बहुत तारीफ करना चाहता हूँ। एक सर, हम लोग बात सेकंड वेव में बहुत बड़ी लड़ाई लड़ी है, अनलॉक की हम बात कर रहे हैं, शादी समारोह में संख्या बढ़ाने की बात कही जा रही है, आपने खुद बार बार इस बार अपील करते रहे कि संख्या ना बढ़ाई जाए, संख्या ना बढ़ाई जाए, आप इससे इत्तेफाक रखते हैं कि अगर ये संख्या बढ़ी तो ये आने वाले दिनों में भारी पड़ सकता है? सावधानी हटी और दुर्घटना घटी, अभी कोरोना गया नहीं है, दो ही उपाय हैं इसके, या तो 100% वैक्सीनेशन हो जाए जिसके लिए हम लगे हुए हैं, लेकिन वैक्सीन की अवेलेबिलिटी वो भारत सरकार पर निर्भर करती है। हमारे करीब 8 करोड़ लोग हैं, 8 करोड़ लोगों को 2 डोज अगर हम लगाते हैं तो 16 करोड़ डोज हमको चाहिए, अभी हम 2 करोड़ से ज्यादा 30 लाख के करीब लोगों को वैक्सीनेट कर पाए फर्स्ट और सेकेंड डोज मिला के। मैं समझता हूं कि अगर जैसे जैसे वैक्सीन आती जाएगी हम एक दिन में 15 लाख लोगों को भी वैक्सीनेट कर सकते हैं। सवाल एक तो मास्क, 2 गज की दूरी, बार बार हाथों को सैनिटाइज करना, अनावश्यक रूप से घरों से बाहर नहीं निकलना, ये सावधानियां रखनी पड़ेगी, या तो मास्क या वैक्सीन, दोनों आपको सुरक्षा देती है इस महामारी से। लोग लापरवाही करते हैं, सेकेंड वेव में जो हमारे कड़े अनुभव रहे उसकी वजह है कि फर्स्ट वेव के बाद लोगों ने सोच लिया कि कोरोना तो गया, अब तो लापरवाही ज्यादा बरती, लापरवाही का परिणाम बहुत खतरनाक रूप से हमने देखा। 1.5-2 महीने में राजस्थान में 6,000 लोगों की मृत्यु हुई, और जिस ढंग से हाहाकार मचा ऑक्सीजन को लेके, बेड को लेके, तो ये सब अगर हम सावधानी बरतते रहेंगे, जब तक कोरोना है हमको बचाव के सारे उपाय अपने करने चाहिए, कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर की पालना करनी चाहिए, और
वैक्सीन भी कोई भ्रांति नहीं रखनी चाहिए, आगे आके लगवानी चाहिए। सर आपने केंद्रीय मंत्री को लेटर लिखा कि जुलाई के महीने में सिर्फ 48 लाख वैक्सीन दी है, राजस्थान को अलर्ट हुई है, लेकिन 75 लाख की जरूरत है क्योंकि दूसरी डोज भी लगनी है, तो ऐसे में अगर डोज नहीं लगते हैं तो दिक्कत नहीं होगी? वही तो बात मैं कह रहा हूँ, 48 लाख तो उन्होंने सरकारी अस्पतालों के लिए दिया, 16 लाख उन्होंने प्राइवेट हॉस्पिटल्स के लिए दिया, दोनों का जोड़ लगा लें तो 64 लाख या 65 लाख के करीब वैक्सीन जुलाई के लिए उन्होंने कोटा निर्धारित किया है। हमारे जितने फर्स्ट डोज लग चुकी है जिन लोगों के, 75 लाख लोग तो वो हैं जिनकी ड्यू हो जाएगी जुलाई में सेकेंड डोज, तो मैंने चिट्ठी लिखी है कि आपने 65 लाख हमको देने की बात की है, उससे तो हम सेकेंड डोज भी नहीं लगा पाएंगे, 10 लाख तो उसी में कम पड़ जाएगी, और अगर 10 लाख आप दे भी दोगे तो फिर हम फर्स्ट डोज तो जुलाई के पूरे महीने में किसी को नहीं लगा पाएंगे। कम से कम राजस्थान को 1.5 करोड़ वैक्सीन आप दीजिए, तब जाके हम सेकेंड डोज भी कंप्लीट करेंगे और करीब 75 लाख लोगों को हम फर्स्ट डोज भी लगा पाएंगे।